दोस्तों बहुत दुख भरी खबर सामने निकल कर आई है कि सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच में नहीं रहे। उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनके निधन की खबर सुनकर उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। वही शहनाज गिल की बात करें तो खबर ये आई है कि वे फिलहाल बेहोशी की हालत में आईसीयू में भर्ती हैं। वे पूरी तरह सिद्धार्थ करती रोती नजर आई। अभी फिलहाल उन्होंने किसी भी तरह का कोई बयान तो दिया नहीं है, परंतु सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है कि शहनाज गिल ने जैसे ही ये खबर सुनी उसी समय बेहोश हो गई। शहनाज गिल के परिवार वालों ने शहनाज को किसी तरह से आईसीयू में भर्ती कराया। बहुत बड़ा झटका ये बॉलीवुड इंडस्ट्री को लगा है और करोड़ों लोगों को अब तक इस बात पर कोई भरोसा नहीं हो रहा। चलिए आपको बताते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ आखिर क्या हुआ। अभिनेता और बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला का गुरुवार को निधन हो गया। मुंबई के कूपर अस्पताल ने सिद्धार्थ के निधन की पुष्टि की है। 40 वर्षीय सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। जानकारी के मुताबिक अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला ने रात को सोने से पहले कुछ दवाइयां खाई थी, लेकिन उसके बाद वे उठ ही नहीं पाए। अस्पताल ने बाद में पुष्टि की कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हार्ट अटैक से हुई है। सिद्धार्थ शुक्ला अपने पीछे अपनी माँ और दोनों बहनों को छोड़कर गए। कूपर अस्पताल के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला को गुरुवार सुबह अब अस्पताल लाया गया, तब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। सिद्धार्थ शुक्ला के इस तरह अचानक निधन से पूरी बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री शोक में है। तमाम अभिनेता और अभिनेत्री द्वारा सिद्धार्थ शुक्ला को श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है, सिद्धार्थ शुक्ला की आत्मा को शांति मिले इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में RIP लिखकर जरूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।